हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपनी इस वीडियो में सीखने वाले हैं जीएसटी में एलयूटी किस तरह से फाइल करें, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग किस तरह से आपको फाइल करना है। मैं इस वीडियो में लाइव आपको बताने वाला हूं। आप जीएसटी के पोर्टल पर जाकर जब अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। इसके बाद वो कौन से ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने हैं जहाँ से हमें एलयूटी फाइल करनी है। तो हम जो ये एलयूटी फाइल करने वाले हैं, ये हम करने वाले हैं 21 to 22, यानी 2021 और 22 के लिए ये एलयूटी हम फाइल करने वाले हैं। इसके लिए जो ऑप्शन है वो 1 मार्च को ओपन हो चुका है और आप एडवांस में एलयूटी फाइल करके रख सकते हैं, या फिर वो एसएससी जिन्होंने अभी तक 2021 के लिए एलयूटी फाइल नहीं की है वो भी अपनी एलयूटी फाइल कर सकते हैं। तो आपके सामने डैशबोर्ड आएगा लॉगिन करने के बाद। यहाँ पर आप देखेंगे प्राइमा फेसी आपको कहीं पे भी एलयूटी का फ्रंट पे ऑप्शन नहीं शो करेगा। आप किसी भी हेडिंग में जाकर चेक करेंगे तो आपको सिंपली सीधे सीधे जाना है यूजर सर्विस में। ध्यान दीजिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने बताने जा रहा हूँ। आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद सर्विसेज के अंदर यूजर सर्विस में जाना है, माई सेव्ड एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके देखना है कि आपकी कोई एलयूटी की एप्लीकेशन पहले से तो पेंडिंग नहीं है, क्योंकि जब तक पहली एप्लीकेशन पेंडिंग रहेगी दूसरी एप्लीकेशन आप फाइल नहीं कर पाएंगे अगर आपने पहले से ही लॉगिन किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है। इसके बाद यूजर सर्विस में माई एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। माई एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी। ध्यान से देखिएगा, इस तरह की एक विंडो आएगी। इसमें ही हम एलयूटी के नाम से फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड ऑप्शन आ रहा है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एलयूटी का पूरा कंप्लीट फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये फॉर्म ओपन होगा। तो अब हम यहाँ पर एलयूटी फाइल करेंगे। एलयूटी फाइल करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है सबसे पहले कि आप किस ईयर के लिए एलयूटी फाइल करना चाहते हैं। तो जिस साल में आप हैं अभी, सपोज कीजिए हम 2021 में चल रहे हैं, 2021 में, तो इसके लिए हम एलयूटी फाइल कर सकते हैं। अगर मुझे कोई अपनी सेल एक्सपोर्ट ऑफ सेल करनी है, या फिर मुझे वो एक्सपोर्ट जिन एससीजेड को सेल करनी है या अदर अंडरटेकिंग्स को, जहाँ पर उस सेल को एक्सपोर्ट माना जाता है, उन सभी को सेल करने के लिए मैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सेल करना चाहता हूं, तो मुझे एलयूटी फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो एलयूटी फाइल करने का ये सीधा सीधा बेनिफिट आपको होता है कि आप एलयूटी फाइल करते हैं तो आपको विदाउट टैक्स पेमेंट किए हुए आप अपनी एक्सपोर्ट की सेल, या फिर वो सेल जिनको एक्सपोर्ट मान लिया जाता है, वो आप इस एलयूटी को फाइल करने के बाद वो सेल आप बिना टैक्स को कलेक्ट करें कर सकते हैं। बट एलयूटी का जो नंबर होगा, वो जो नंबर यहाँ से जनरेट होगा, उसके बाद आपको हर इनवॉइस पे ये मेंशन करना जरूरी होगा कि आप एलयूटी फाइल कर रहे हैं इस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू, और ये जो सेल इनवॉइस है इसका किसी भी तरह से इस पे कोई टैक्स चार्ज नहीं किया गया है, और ना ही इसका कोई इनपुट क्रेडिट मिलेगा। तो यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले, ये बिल्कुल सिंपल है। ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपने कोई प्रीवियस एलयूटी इसके रिगार्डिंग ली है तो आप यहाँ पर वो अटैच भी कर सकते हैं, इसकी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है ये। फिर इसके बाद आपको ये 1 to 3 जो भी ऑप्शन यहाँ पर शो करेगा, सबसे पहले आ रहा है टू एक्सपोर्ट द गुड्स और सर्विस सप्लाइड विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन सब रूल 1 ऑफ रूल 96 से, तो ये वही है जो मैंने आपको बताया है। या फिर दूसरा ऑप्शन आ रहा है टू ऑब्जर्व ऑल द प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारे ऑप्शन आपको 1 to 3 सभी टिक करने हैं। जब इन पे आप टिक कर देंगे उसके बाद ही आप ये एलयूटी फाइल कर पाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अगर ये कोई भी प्रोविजंस आप फॉलो नहीं करते हो या इनको ब्रेक करते हो तो आपको ये पूरा का पूरा टैक्स जमा कराना होगा विद इंटरेस्ट के साथ, 18% का आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल लिखा हुआ है आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन ली जा रही है, इसमें किसी भी तरह के प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीएसीएस का किसी भी तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये आप खुद से जाकर जीएसटी पोर्टल पर फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर ये दो विटनेस की रिक्वायरमेंट करते हैं, जिसमें उनका नेम
जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड वाले जो फील्ड्स हैं ये मैंडेटरी हैं, तो आप ये रेड वाली फील्ड्स इसमें फीड कर दीजिए। किन्हीं भी दो विटनेस का आप नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, उनका एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, एड्रेस नाम और कंप्लीट एड्रेस, ये दो ही चीज़ें यहाँ पर मैंडेटरी की गई है। ये इसलिए कि जो दो विटनेस हैं उनके बारे में आप डिटेल डाल दीजिए, ये आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं या अदर्स भी हो सकते हैं, इसके बारे में कोई भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। जिनको आप जानते हैं उनके आप डिटेल्स यहाँ पर फीड कर दीजिए, जो भी प्लेस से आपके जहाँ से आप ये LUT फाइल कर रहे हैं वो प्लेस आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसमें डेट जो है वो ऑटोमेटिक आएगी, फिर यहाँ पर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी में जो भी आपके ऑथराइज सिग्नेटरी है उसको सेलेक्ट करके प्लेस करके आप डाटा सबसे पहले सेव कर लीजिए। डाटा सेव करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन भी आएगा, फिर सीधे सीधे आपको, अगर आप DSC रखते हैं तो आप DSC से भी फाइल कर सकते हैं, या फिर सिंपली OTP से, या EVC भी कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, उसके थ्रू भी आप ये फाइल कर सकते हैं। सीधे सीधे आपको OTP जाएगा, OTP को आपको वेरीफाई कराना है, उसके बाद आपके पास एक PDF जनरेट होकर आ जाएगी, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप उसको सेव करके रख सकते हैं अपनी फाइल में प्रिंट आउट निकाल के, और जो भी आप इस LUT के अगेंस्ट में इनवॉइस पार्टी को देंगे सेल के रिगार्डिंग, सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज, उन सभी पे LUT नंबर मेंशन होगा, और वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जो मैंने आपको बताई है वो मेंशन करनी होगी। तो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया है, ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को ये प्रोसेस पता लग सके। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, LUT फाइल करने के किसी भी तरह के कोई चार्ज नहीं लगते हैं, तो अगर आपसे कोई चार्ज क्लेम कर रहा है तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप सेल्फ भी फाइल कर सकते हैं। इसमें किसी भी कंसल्टेंट का कोई रोल नहीं है और ना ही इसमें किसी प्रोफेशनल नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू सो मच, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से मोर प्रोसीजर्स की GST में पोर्टल पर कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर होती हैं उनके लिए मैं वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।